तो नमस्कार, हम है बाबू लोहार। तो कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, सब बढ़िया? आई होप सब लोग बढ़िया ही होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज एक ऐसी शख्सियत के बारे में है जो हमेशा से थोड़ी कंट्रोवर्शियल रही है। और काफी लोगों ने इनको अच्छा कहा तो काफी लोगों ने इनको बुरा, बट कोई कुछ भी कहे, हम पे इसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये हम इनसे बखूबी सीख सकते हैं। और बहुतों ने इनको खुलियाम धमकी भी दी, फिर भी इनको घंटा कुछ नहीं फर्क पड़ा। कुछ लोग इनको बॉलीवुड के क्वीन कहते हैं तो कुछ लोग इनको झांसी की रानी। जी हाँ, सही पकड़े, कंगना रनावत। मैं लक्ष्मी बाई प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक मेरे शरीर में रक्त है मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूंगी। ये वो नाम है जो बॉलीवुड से लेकर पॉलिटिक्स तक बवाल मचा रखा हुआ है। ये वो नाम है जो बॉलीवुड से अच्छे खासे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर सहमे हुए हैं। कितने लोगों का तो ये पोल खोल चुकी है, तो कितने लोगों का पोल खोलना बाकी है। लेकिन कई लोग तो ये सोच रहे हैं कि कहीं मेरे बारे में तो ना बोल दे। ये वो नाम है जो पिछले कुछ साल से बॉलीवुड में बिना गॉडफादर के अपना पैर जमाई हुई है। इनकी एक्टिंग तो लाजवाब है ही है, साथ ही साथ लोगों की लेने की कला काफी लाजवाब है। जहां एक्टिंग के नाम पर सिर्फ भागा जाता है, इमोशन के नाम पर सिर्फ रोया जाता है, वहां ये एक्टिंग का अपना जलवा बिखेरती है। आज लगभग 3 मंथ हो चुके हैं सुशांत सर के सुसाइड को। सबको पता है ये मर्डर है, बट कोई सबूत नहीं मिला सीबीआई और मुंबई पुलिस को। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे, मादरचोद के बच्चे। वाह क्या बात है, वहां कंगना मैम बिना डरे आज भी एक एक लोगों की पर्दाफाश कर रही है। सल्यूट तो बनता है ना बॉस। जब सुशांत सर की सुसाइड की खबर आई थी तो ये पहली महिला थी जब जिन्होंने सबकी क्लास लगाई थी। कईयों को तो ऐसी मारी, आज भी अपना गांठ छुपाते फिर रहे हैं, मेरा मतलब है चेहरा। उसी में से तो एक था बॉलीवुड का माफिया करण जौहर। हालांकि उसको सबने मारी है, इतनी मारी है कि नहीं अब तबला हो गया है। भोसड़ी के मोहतर चौथ बहन के लोड़े, मच्छर की जाट, गांडू मोटी चूत तेरी, तख्तों के सौदागर। और एक है हमारे बॉलीवुड के जाने माने, कैसे बोलूं, लोग बुरा मान जाएंगे यार, बोल देता हूं कोई फर्क नहीं पड़ता। एक है हमारे बॉलीवुड के जाने माने सुलेमान भाई, इनके बारे में क्या ही बोले, नहीं बोलता हूं, थोड़े बहुत भी बातें वो भी बंद हो जाएंगे। एक तो हमारे हैं एनर्जेटिक चाचा। चाचा ओ भोसड़ी वाले चाचा, मतलब महेश चाचा। इनके बारे में तो पूछो ही मत, आधे पैर कब्र में अटके हैं, लेकिन इनको लड़की चाहिए बेटी की उम्र की। चलो छोड़ो, मैं थोड़ा भावनाओं में बह गया था, तो आगे बढ़ते हैं। तो कंगना मैम लोगों की तो ऐसे ही मारी थी कि आज भी अपना गांठ छुपाते फिर रहे हैं। फिर जब बॉलीवुड माफिया से बात नहीं बनी, मतलब मेरा मतलब है कि डायरेक्टली सामने आके नहीं बोल पाए, तो कुछ लोग बुद्धिजीवी वो सामने से आके धमकी दी। मैं उन सबको इतना ही कहना चाहूंगा, यही है तुम्हारी मर्दांगी, यही है, इतना ही कर सकते हो बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और कुछ तुम लोग को आता ही नहीं है, बहुत कुछ नहीं कह सकता, मतलब मेरा नया चैनल है। बस एंड में बस इतना ही कहना चाहूंगा, मैम आप लगे रहिए, हम सब आपके साथ हैं। और जाते जाते मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। A few moments later. तो सुनो, जो तुम चाहते हो वो कभी नहीं कर पाओगे, जैसे अब तक कुछ नहीं हुआ वैसे आगे भी कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। और जो हो रहा है उसे होने दो, जो हो रहा है उसे होने दो, अगर फट्टे में टांग अड़ाए तो चोद के किनारे कर दिए जाओगे।